नेपाल की टीम में जो है बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, बहुत नए नए प्लेयर्स हैं, और हमारी टीम में जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं लगातार क्रिकेट का। तो डेफिनेटली हम जो है हर हाल में नेपाल को हरा जरूर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बोल थे एग्जैक्टली जो कतर के कोच हैं इस मैच से पहले उन्होंने ये जी चीज़ कहीं ना कहीं कही थी। आप कह सकते हैं हाँ अटेंशन के लिए जरूर कहा होगा, लेकिन ये सब चीज़ें कहनी बाद में चाहिए, करनी पहले बिल्कुल चाहिए। सही, बिल्कुल और ये असर होता है जब आप कहते ज्यादा है और करते कम है, या बिल्कुल फिर कहते बिल्कुल पहले हैं और करते जब बाद में आपको करना होता है तो आप वो कर नहीं पाते। तो ये चीज है कि जब हम कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वर्ड्स जी वही हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर बिल्कुल, कहा ये हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा। फिट बैठती है कि आप पहले करके दिखाते फिर बोलते, पहले कहना। और डेफिनेटली बात जाहिर सी बात है बूस्टर के लिए क्या कोच वगैरह ये सब कहते हैं कहते हैं अपनी जी टीम में, हाँ लेकिन ये बड़ा अजीब सा लॉजिक समझते हैं कि हाँ वो यंग है, नए लड़के हैं, हम बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, हम उन्हें डेफिनेटली हरा सकते हैं। ये लॉजिक समझ नहीं आया। अगर आप यह नए की बात कर रहे हैं तो यही वो नए लड़के हैं जो जिन्होंने ओडीआई स्टेटस बचाया था। नो डाउट पुराने प्लेयर ने ओडीआई स्टेटस दिलाया इस टीम को, लेकिन यही वो नए लड़के जी हैं हाँ जिन्होंने जी ओडीआई हाँ स्टेटस बचाया, जरूर यही वो नए लड़के हैं जिनके पास ओडीआई स्टेटस है, और आपके एक्सपीरियंस लड़के जो अभी तक ओडीआई स्टेटस गेन करने में भी बहुत पीछे हैं, यही वो नए लड़के हैं जो प्रीमियर कप क्रैक कर एशिया कप खेलने गए थे, और अभी आप क्वालिफायर्स में ही जदोजहद कर रहे हैं। एशिया कप तो बहुत दूर की बात है। और उस नए लड़कों में भी शायद आप भूल रहे हैं सोमपाल कामी है, दीपेंद्र सिंह जी ऐरी हाँ है, ये सब एक्सपीरियंस हो चुके करेक्ट हैं। करेक्ट। करण केसी है, अभी रिदम में नहीं है तो क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे मैच अरे अपनी नहीं टीम के नहीं जिताए बिल्कुल और बिल्कुल एक्सपीरियंस तो इनका रहेगा ही, जरूर वो रहेगा जरूर ही, जी हाँ चाहे वो अभी फिलहाल फॉर्म में नहीं है लेकिन वो रहेगा ही। दीपेंद्र सिंह है, दीपेंद्र सिंह अभी से नहीं खेल रहे, नहीं वो बहुत साल संदीप हो नहीं गए है, संदीप जी भी उस टीम हाँ में थे। तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पूरी की पूरी नई टीम ही है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लड़के भी हैं जो काफी मिनट खेलकर आ चुके हैं। तो ये छोटा सा जवाब है उन्हीं नए लड़कों की तरफ से जिन्हें आप नया लड़का जी समझ रहे हाँ थे। खैर चलिए अब बात करते हैं मुद्दों पे। मैच की अगर बात की जाए तो एन बहुत ही जबरदस्त मैच जरूर हुआ है। कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव से यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे। कई सारी गलतियां यहाँ पर नेपाल से भी हुई हैं, नो डाउट। अगर आप बड़े मैच और नॉकआउट्स को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे तो आपको बहुत सारी गलतियां दिखेंगी। अगर आपको सिर्फ जीत जीत देखनी चलो तो शायद वो आपको गलतियां ना दिखे, लेकिन वो चीज भी हम आपके सामने रखेंगे क्योंकि आप जानते हैं हम एनालिसिस उसी तरह से बिल्कुल करते हैं। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह फेस बाय फेस। जरूर। एक से 6 ओवर की बात करें नेपाल की तो 56 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, वहीं कतर ने 48 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस नेपाल के नाम रहा। 7 से 15 ओवर की बात करें तो यहाँ पर 76 रन नेपाल ने बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, वहीं कतर ने 83 रन किए, जी हाँ जी हाँ, 4 विकेट83 रन, के बिल्कुल नुकसान। बिल्कुल माफ कीजिएगा, 83 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर। ये फेस अगर हम कहें तो शेयर आप इसे कह सकते जी हैं, हाँ, क्योंकि इस फेस में रन भी बने जरूर हैं कतर के लिए, लेकिन कतर ने विकेट भी काफी खोए हैं। जी हाँ, नेपाल ने भी रन बनाए थे 76, लेकिन यहाँ पर 3 विकेट उनके यहाँ गिरे हैं, तो जरूर कहना होगा ये आप फेस शेयर करें। उसके बाद 16 से 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेपाल ने 78 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर, वहीं कतर ने 47 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी कर ये फेस जो रहा, माफ कीजिएगा, ये फेस नेपाल के नाम रहा जी डेथ फेस। पहले बैटिंग करते हुए नेपाल ने 210 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। 41 डॉट बॉल्स उन्होंने अपनी इनिंग के दौरान खेली। कतर जवाब में जब आया तो 178 रन जी तक पहुंचा 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा जहां पर फेस बाय फेस में 2-0 से नेपाल ने यहाँ पर मात दे दी, अगर आप देखें कतर को, और एक जो फेस था वो शेड रहा, जी हाँ बहुत ही मार्जिनल बहुत वेस्ट से ही ज्यादा शेड रहा है, बहुत वो कम जो 7 रन ज्यादा देख रहे हैं बस उसी वजह से कहीं ना कहीं ये शेड रहा है। चलिए ये तो बात हो गई फेस बाय फेस में किस तरह से मात दी है। अब बात करते हैं जरा मैच के बारे में। शुरुआत यहाँ पर की नेपाल ने आज बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं, मैं जल्दी से स्कोर्स बताता हूँ फिर चलेंगे हम आशीष शेख और दीपेंद्र सिंह ऐरी की जी इनिंग की हाँ तरफ, उनके पाई चार्ट की तरफ बात उन पर जरूर होनी चाहिए। कुशल मुर्तैल ओपनिंग क्या है, 12 रन बनाकर आउट हो गए। आउट ऑफ फॉर्म जब प्लेयर होता है उनका फॉर्म कुछ ज्यादा ही लंबा वक्त से आउट ऑफ जी फॉर्म, हाँ जब बल्लेबाज जो है वो रिदम में नहीं होता तो इस तरह के कैचेस सीधा हाथों में ही गए। हाँ अगर जरूर यही प्लेयर, अगर यही कुशल अभी फॉर्म में होते तो ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में से बॉल निकल जाती, बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है तो वो हर जगह फील्डर को ढूंढ ले रहे हैं, और आज भी जी हमें वही हाँ देखने को मिला है। एक अच्छी कैच जरूर थी पॉइंट पे अगर हम बात करें। उसके बाद बात करें आसिफ ने 41 के अंदर 52 किए, आगे बात करेंगे इनके पाई चार्ट के साथ।
रोहित ने 17 गेंदों में 18 किए, कुशल मल्ला ने बहुत जबरदस्त एक यहाँ पर जंप दिया। टीम की इनिंग जो आप थोड़ा सा ढीली पड़ रही थी, इन्होंने आकर जो है रन रेट को काफी बढ़ा दिया, 18 गेंदों में 35 किए। उसके बाद दीपेंद्र सिंह ने 21 गेंदों में 64 किए, फिर 7 रन, फिर गुलशन झा 5 रन, विवेक यादव 5 रन, और ये पूरी कहानी रही और टीम जो है बहुत ही भारी भरकम 210 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। अब आप सोच रहे हैं क्या बात है, आप बैटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। चलते हैं, आप सबसे पहले बात करते हैं जो पहले इनिंग हुई थी आसिफ शेख के बारे में, एंड इनको जरा पाई चार्ट के जरा समझाने की आप कोशिश करेंगे। हालांकि 8 रन पे आसिफ का कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने काउंट करवाया और 50 से जड़ दिया। बिल्कुल, और ये बल्लेबाज की क्वालिटी आप देख सकते हैं, 69% रन इनके ऑफ साइड में। आप कमाल, उन्होंने अपना गेम नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने, जो उनका नेचुरल गेम है, क्लास है, वो उन्होंने नहीं छोड़ा। और उसके बाद हम देखें 31% रन उनके लेग साइड में है, कवर एरिया और पॉइंट एरिया जो है, कहें हम पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट का एरिया, यहाँ सबसे ज्यादा रन है। 21 रन कवर एरिया के जोन में, 12 रन बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के एरिया में, ये उनका फेवरेट एरिया रहा है अगर हम देखें। और जिस तरफ उन्होंने बल्ला भी नहीं लगाया वो था थर्ड मैन का एरिया, जहाँ पर उन्होंने ज़्यादा छुआ नहीं। और सामने के एरिया में हम देखें मैं लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन में तो 3 रन और 6 रन रेस्पेक्टिवली आए हैं, कमाल के। अगर हम देखें उन्होंने शॉट्स भी लगाए हैं ऑफ साइड की तरफ, सिंगल्स भी लिए, जरूर एक्सिलरेट भी उन्होंने किया, शायद 20-25 बॉल थोड़े वो स्लो थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ बॉलों के लिए अपनी इनिंग को एक्सिलरेट भी किया है। 126 के स्ट्राइक रेट तक जरूर पहुंचे, अच्छी एक पार्टनरशिप भी करीब करीब 140 तक जा सकती थी, जानी चाहिए थी, जरूर जानी चाहिए थी, जी हाँ। लेकिन उन्होंने किया भी, उससे भी कम का स्ट्राइक रेट था, एक बात करें शायद 100 या 96 का स्ट्राइक रेट था उनका, लेकिन यहाँ से वो 126 पर ले गए। उम्मीद करेंगे कि 135-40 तक वो अपने स्ट्राइक रेट को रखे, लेकिन इनिंग उनकी सिंगल से भी बहुत भरपूर थी, बहुत अच्छी। बिल्कुल सही कहा आपने, तीनों जो इनिंग्स रही है उनके अलग अलग अपने अपने मायने हैं, अपने अपने वैल्यूज हैं। आसिफ की इनिंग की एक अलग जगह है आज के मैच में, डेफिनेटली सबके दीपेंद्र सिंह एरी वाली इनिंग फेवरेट रहेगी, कुशल मल्ला की रह सकती है, कुशल मल्ला की एक अपनी अलग वैल्यू थी उस 210 रन में, और फिर दीपेंद्र सिंह एरी की एक अलग वैल्यू। चलते हैं उसी इनिंग की तरफ, एंड दीपेंद्र सिंह एरी के पाए चार्ट की बात करते हैं। नो डाउट 6 छक्के तो सभी ने यहाँ पर देखे ही है, 6 छक्के की बात हमने की है, बहुत बहुत अगला रिकॉर्ड नहीं छोड़ा था तो दीपेंद्र ने भी अपने गेम को नहीं छोड़ा, जिसलिए वो जाने जाते हैं। एक जबरदस्त फिनिश उन्होंने किया और लगभग ग्राउंड के हर तरफ उन्होंने सिक्स भी लगाए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत पावर हिटिंग लगाई, और सबसे अच्छा जो अच्छी चीज लगी देखने को कि दीपेंद्र ने बिल्कुल मारा है तो बॉल की क्रेडिट पर होगा। बिल्कुल सही यार, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा था आपसे, जब 5वां छक्का हम देख रहे थे लाइव, जब मैच देख रहे थे, आपने वो बॉल की मेरिट पर खेलना ये डेफिनेटली उन्होंने दिखाया। उनकी जो 2 सिक्सेस हैं मेरे ख्याल से वो दोनों उन्होंने ऑफ की साइड पर मारी, बस यही तो है ना। अब आप इसे अगर ठीक है 6 छक्के आप लगा सकते हैं, हर कोई नहीं मार सकता, ऑफकोर्स 6 छक्के ऐसे कभी कभार लग जाते, लेकिन सिक्सेस तो पड़ जाते हैं ना, छक्के तो पड़ जाते हैं मैचों में, तो वो लगाने के लिए आप 8वें नंबर के बॉलर को देखिए कैसे मारते हैं, वो कहीं भी बल्ला चला रहे हैं छक्का चला जाता है, हाँ बॉलर से भी सिक्सेस चले जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से दीपेंद्र ने एकदम, क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने क्रेडिट पर खेला है, कि सबसे बड़ा एग्जांपल है कि फाइनल लेग में उनके रन ही नहीं, फाइनल लेग में उनके रन ही नहीं है। अगर फाइनल लेग में रन होते तो कुछ और ही नजारा देखने को मिलता, ना एक छक्का है ना एक चौका है। फाइनल लेग की अगर हम बात करें, जहां पर पीछे की तरफ होता है लेग साइड में, वहां पर रन ही नहीं है उनके। सबसे ज्यादा रन अगर हम देखेंगे मिड विकेट पर है, आपके ऑफ साइड में उन्होंने 31 रन बनाए हैं और लेग साइड में उन्होंने 33 रन किए, तो ऑफ साइड में भी उन्होंने रन मारे, और खासकर जो उन्होंने 6 छक्के लगाए उस पर आप देखिए किस तरीके से ऑफ साइड की तरफ पूरा हटकर ऑफ ही पे मार रहे हैं। आपका फेवरेट छक्का कौन सा था 6 छक्कों में? वो जो कहना होगा जो हेलीकॉप्टर शॉट धोनी की तरह जो मारा होगा, बिल्कुल स्थायी तौर पर धोनी ने वो शॉट दिया है, कमाल का लगा था। जब हम तो मुंह खुला का खुला रह जाता था जब आज से 10 साल पहले वो सब देखते थे, अब तो ये आम बात हो गई है, लेकिन बहुत कमाल की पावर थी उस शॉट में दीपेंद्र वेल्ड, बहुत अच्छे दीपेंद्र, कमाल का आपने इनिंग खेली है, क्रेडिट के हिसाब से आपने बॉल को मारा है, ये बहुत अच्छा लगा देखकर। मतलब अगर आप वो पीछे पीछे मारते रहते T20 का बेहुदा शॉट खेलते तो मजा नहीं आता, चाहे आप 12 छक्के लगा दो। बिल्कुल सही कहा, डेफिनेटली सबके अपने अपने रीजंस हैं दीपेंद्र सिंह की इस इनिंग को फेवरेट मानने के या फिर उससे खुश होने के, लेकिन हमारे जो रीजन रहेंगे वो है 6 सिक्सेस मारे हैं वो बॉल की एक्स्ट्रा एग्जैक्ट मेरिट पर मारे हैं। बॉल अगर हाइट लेंथ पर आ रही है तो उन्होंने वेट किया उसके बाद पुल किया, ऐसे नहीं हर बॉल हर बॉल पे बल्ला घुमा रहे अंधाधुन, उसके
बाद जब उन्होंने देखा बॉल फुल आ रही है तो उन्होंने इस तरह से स्टेप अप किया उस बॉल को, अगर आप देखिए लेग की बॉल है तब जाकर उन्होंने लेग मारा है, वरना बिल्कुल नहीं छेड़ा। अगर लेग की बॉल है, बहुत ही लेग में है, तब गया होगा लेग पर, लेकिन उसके अलावा जो उनकी 5 छक्के थे या 6 छक्के थे वो सब क्रेडिट के हिसाब से। बिल्कुल सही कहा, उन्होंने मेरिट पर बॉल के कहीं ना कहीं सिक्स लगाने की कोशिश की है और उन 6 छक्कों में भी उनके पूरे मेरिट झलकता है और यही कहीं ना कहीं दिखा। और ये सब चीजें हैं जो दिखाता है कि दीपेंद्र सिंह हैरी क्यों T20I में आसमान पर है, फर्स्ट पर है तो, और T20I में वो आसमान में नजर आते हैं, एकदम स्टैंड आउट प्लेयर है एसोसिएट्स में अगर हम बात करें तो। ये चीज है 6 छक्कों से ज्यादा आप ये देखिए कि उन्होंने किस तरह से और किन बॉलों पर वो किस तरफ लगाए हैं, ये देखना बहुत जरूरी है एक क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर। वही हमने आपके सामने प्रेजेंट किया, उम्मीद आपको एनालिस्ट पसंद आया होगा दीपेंद्र सिंह हैरी का। बॉलिंग कार्ड की तरफ चले हैं जल्दी से, अब कतर का जो बॉलिंग कार्ड रहा उसके सिर्फ क्विक रिव्यू जान लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम देखें यहाँ पर मोहम्मद इरशाद वगैरह ने तो आमिर फारूक है, और अगर हम एक नाम छोड़ दें तो बेहतर होगा वो है कामरान खान का, उसका बैट ही रहा है, इसमें कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, होता है ऐसा, आप ही के नाम ये बैट लिखा था तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आप नर्वस मत होइएगा कि आप में कुछ खराबी है, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ये मत सोचिएगा, वो दीपेंद्र सिंह है। बिल्कुल वो दीपेंद्र सिंह हैरी का डे था आज। लेकिन हिमांशु राठौड़ आज के एक बॉलर निकले हैं, पिक ऑफ द बॉलर कतर के लिए, 4 ओवर में 26 रन 3 विकेट उन्होंने निकाले। अदर बॉलर्स अगर उनसे थोड़ा सा यहाँ पर सीख लेते तो शायद थोड़ा सा रन में कमी करते, लेकिन कहाँ से करते, दीपेंद्र कुशल की जो बल्लेबाजी थी, स्ट्राइक रेट तेजी वाली बल्लेबाजी तो आसिफ ने ही बहुत बेहतरीन की है, लेकिन जो एक अबव स्ट्राइक रेट था, बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना, उसमें कहीं ना कहीं बह गए कतर के बॉलर्स। बिल्कुल चलिए अब चलते हैं कहीं ना कहीं कतर के बैट्समैन की तरफ, और यहाँ पर कतर के बैट्समैन की तारीफ जरूर बने, जी नो डाउट, क्योंकि कल के मैच में डेफिनेटली वो मैच हम एनालाइज कर नहीं पाए थे, हांगकांग के खिलाफ भी लड़के काफी लंबा लेकर गए थे बैटिंग में, और टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ने उनके रन किए थे, और आज भी यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी, 200 रन बनाने के चक्कर में 170 क्रॉस कहीं ना कहीं किया, 178 करीब करीब किए, ये यहाँ पर दाद देनी होगी। बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आपके सामने है, कामरान की बात करें जहाँ जिन्होंने 6 छक्के खाए हैं, ऑब्वियसली अब कुछ टाइम तक नाम ये जुड़ा रहेगा 13 गेंदों में, अरे तो हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा लेकिन कुछ टाइम के लिए चीज पीछा नहीं छोड़ेगी। 13 गेंदों में 18 रन उन्होंने किए, उसके बाद शकील अरशद ने 1 रन, मोहम्मद अगर मैं बात करूं ये भी अच्छा खेल रहे थे, सोमपाल में मेरे ख्याल से कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए थे लेकिन उसके बाद ज्यादा लंबी इनिंग लेकर जा नहीं पाए, 23 रन। मोहम्मद तनवीर जो है ये उन्होंने बहुत जबरदस्त स्ट्राइक अच्छे हैं, और हमने आपको बताया भी था, हमने एक बहुत प्रीमियर कप शोन से पहले पोस्ट डाला था आपको याद होगा, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले जो बैट्समैन है हर टीम के उसमें कतर के हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन मोहम्मद तनवीरी है, और उन्होंने कुछ जबरदस्त शॉट्स यहां पर लगाए हैं, लगभग हर बॉलर्स पे उन्होंने बाउंड्रीज वगैरह लगाई हैं, सिक्सेस वगैरह लगाई हैं, काफी अच्छा उनका इनिंग यहां पर रहा है। उनकी इनिंग के बारे में और ज्यादा बात करते अगर यहां पर इनिंग जो है उनकी थोड़ी सी और हीरोइक इनिंग में तब्दील होती हुई नजर जरूर आती है। उसके बाद जैसे ही उनका विकेट गिरा कंप्लीट पूरा फ्लो जो है वो मैच से निकल गया, बीच में बीच नीचे आकर थोड़े बहुत रन जरूर हुए लेकिन वो खतरे से बाहर वाले रन थे, नीचे आकर जो रन हुए हैं कतर के वो खतरे से बाहर थी क्योंकि रिक्वायरमेंट चाहिए था 15-14 हो गया था और आप कर रहे हैं 8-9 एक एक ओवर में, कभी एक एक ओवर में छक्का आ जा रहा है तो उससे बात नहीं बन रही थी, वो मैच तो ऑलरेडी नेपाल लेकर जा चुका था। बॉलिंग की तरफ यहाँ पर चले अगर हम, यहाँ करण को आज रेस्ट था यहाँ पर तो, एंड बॉलिंग कार्ड किस तरह से यहाँ पर चीजें बयां कर रहा है, बिल्कुल ललित राजवंशी ने फिर से एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पिछले मैच में उन्होंने 28 रन दिए थे पर विकेट नहीं निकाल पाए थे, इस मैच में उन्होंने 24 रन 2 विकेट निकाले हैं, अवे में है ललित, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप घर से बाहर आए हैं, ये परफॉर्मेंस आप अपने साथ रखिए, इससे सीखिए बहुत अच्छा, T20 में वैसे भी बहुत कम टाइम होता है अपने आपको एडजस्ट करने का, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी नजर लगातार आप पर है। दीपेंद्र ने फिर से वो स्टार परफॉर्मर वाला काम किया है, बॉलिंग से भी वो गोल्डन आर्म है, बैटिंग से तो है ही, 4 ओवर में 34 रन 2 विकेट, गुलशन झा ने भी एक अच्छा साथ दिया जबकि मालूम है कि पेस जो बॉलर्स हैं वो इतना बेहतर नहीं कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पेसर्स बिल्कुल, उन्होंने आकर यहाँ 2 विकेट निकाले हैं, थोड़े से खर्चीले रहे वो भी पहले ओवर में, दूसरे ओवर में 14 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 10 रन दिए, 2 ओवर में 24 रन 2 विकेट। अविनाश वोरा का अगर आप थोड़ा समझाएं तो बेहतर, बिल्कुल सही कहा आपने, अविनाश वोरा की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब वो पहला ओवर डालने के लिए आए तो उनकी तीसरी ही गेंद पर जो है गुलशन झा ने कैच छोड़ा था, जहाँ मुझे याद है शायद स्लिप थोड़ी पीछे थी, वो काफी शॉर्ट थर्ड की तरफ थी, वहां पर वो कैच छूटा था, और उसके वो कैच छूटने के बाद उसकी नेक्स्ट बॉल पे ही तनवीर ने कहीं ना कहीं बेग सिक्स लगा, तो ये चीज होती है जब आप फील्डिंग कहीं ना कहीं कैचेस आप ड्रॉप करते तो वो सामने टूटा, और सामने जो मोहम्मद तनवीर जैसे बैट्समैन है वो कहीं फायदा उठाते नहीं है क्योंकि उन्होंने लगभग हर बॉल पे यहाँ पर रन किए, अगर आप देखेंगे
उनकी मेरे ख्याल से उनको चार बाउंड्रीज पड़ी है, एक वो गुलशन जा की तरफ से जो कैच छूटा, जो कैच होना चाहिए था वो गया एक बाउंड्री, और एक बाउंड्री जब उन्होंने जबरदस्त ब्लॉक डाली थी लेकिन नासिर भी चकमा खा गए और बॉल वो पीछे चली गई। उसके अलावा एक सिक्स और एक बाउंड्री उनकी लगी थी पहले ओवर के बाद, उन्होंने वापसी अच्छी की, ये कहीं ना कहीं जरूर कहना होगा। आज ब्लॉक हॉल का जो परसेंटेज है उनका वो कल के मैच से कम जरूर है, ये जरूर है। यहाँ पर आज उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कल के मैच से हमें थोड़ी सी वीक नजर आई, लेकिन पहले ओवर के बाद उन्होंने कहने की चीजें अच्छी संभाली, पहले ओवर 14 देने के बाद उसके बाद बाकी तीन ओवरों में मेरे ख्याल से करीब करीब उन्होंने 25 करीब दिए, जो कि काफी कंट्रोल किया। अगर आप देखेंगे तो 8 के आसपास का उन्होंने रन से वहां पर चीजें वापसी की, और तनवीर का विकेट भी आखिरकार वही लेकर गए, एक अच्छा कैच किशन गुर्तल ने वहां पर पकड़ा। तो ये कहीं ना कहीं रहा, और एट द एंड जो डिसाइडर रहा पूरे मैच का वो रहा दीपेंद्र सिंह एरी की जो इनिंग रही है, और इसीलिए हमने आपके सामने कहा था प्रीमियर कप से पहले कम्युनिटी में चले जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है उसी पढ़ लीजिए, अभी हमने उसे शेयर वापस से किया। तो बस यही रहा, और नेपाल ने इस गेम को यहाँ पर जीता, कतर ने बैटिंग अच्छी जरूर की नो डाउट, लेकिन वो भी एक तनवीर की बैटिंग की ज्यादा देखी की थी, लेकिन बॉलिंग में मामला खराब हो गया। कामरान खान के उस एक ओवर ने, दीपेंद्र सिंह एरी की उस एक ओवर की हिटिंग ने पूरी तरह से जो मोमेंटम है वो नेपाल की तरफ भारी भरकम तरीके से शिफ्ट कर दिया। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बद्री डेल के चैनल के साथ ओम बहरेन इतना करीब पहुंच पहुंच कर आखिर बार बार क्यों हार गया ओमान और यूएई दोनों से, आज का यूएई वर्सेस बहरेन एनालाइज किसी भी सूरत में सुनना मत भूलिए, एक बार जरूर जाकर सुनिए, रिक्वेस्ट है आपसे, डेल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट हमें लगातार करते रहिए।